प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज प्रणाली के जरिए महिलाओं समेत अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पहुंचा है काफी फायदा। पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने कहा कि पंचायतों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायती सशक्तिकरण योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि गाँव में पंचायत बेहतर एवं सुचारूपूर्ण ढंग से काम कर सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर करना होगा काम। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मुद्रास्फीति की दर में आ रही है लगातार गिरावट, कहा आगे भी इसमें और कमी आने की उम्मीद। उन्होंने कहा कि चालू खाते का घाटा वित्तीय घाटे से ज्यादा चिंताजनक है और इसके वित्त वर्ष 2012-13 में 5% से कम रहने की है संभावना। मशहूर गजल गायिका शमशाद बेगम का 94 वर्ष की उम्र में निधन। मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला जैसे गीतों को आवाज दे सदा के लिए बनाया यादगार। वह पिछले कुछ महीनों से थी अस्वस्थ। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकिया जाफरी की याचिका पर आज से रोजाना शुरू होगी सुनवाई। जाकिया जाफरी ने 2002 के गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट देने को चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने कल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा को कथित घृणित भाषण देने के मामले में फटकार लगाई, कहा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भविष्य में रहें सावधान। मध्य प्रदेश के सिवनी में 5 वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार का मुख्य आरोपी बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार। आरोपी को भागलपुर जिले के हुसैनाबाद में उसके रिश्तेदार के घर से किया गया गिरफ्तार। भारत और चीन के बीच दूसरी फ्लैग मीटिंग के बावजूद लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में गतिरोध बरकरार। 3 घंटे लंबी चली ब्रिगेडियर स्तर की मीटिंग का कोई नहीं निकला नतीजा और चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र से जाने से किया इनकार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ईरान आगामी 15 मई को वियना में बैठक आयोजित करने के लिए हुए सहमत। एजेंसी के प्रवक्ता गिल टूडर ने वियना में कहा कि IAEA एक वर्ष से भी अधिक समय से परमाणु स्थलों और दस्तावेजों की जांच की अनुमति के लिए कहता रहा है। इराक में सुन्नी बहुल इलाकों में भड़की हिंसा में 56 से अधिक लोगों के मारे जाने और 70 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। देश में पिछले 4 माह से जारी सुन्नी समुदाय के प्रदर्शनों के बीच ताजा संघर्ष तब छिड़ गया जब किरकुक के पास स्थित हविजा इलाके में जारी प्रदर्शन पर पुलिस ने मारे छापे। यमन में फ्रांसीसी दूतावास के पास गोलीबारी की खबर, अभी इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इससे पहले कल लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फ्रांसीसी दूतावास के बाहर हुए कार बम धमाके में 2 लोग हुए थे घायल। देश भर में आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है महावीर जयंती। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी देशवासियों को बधाई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज 40वां जन्मदिन। पिछले करीब 24 साल से क्रिकेट के मैदान पर छाए रहने वाले सचिन का बल्ला अब भी रन बरसा रहा है। सचिन तेंदुलकर अपने करियर में 198 टेस्ट और 463 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।